एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही कि यूपी में मौसम का सितम जारी। ठंडी हवाओं और बारिश से फिर ठिठुरेगा पूरा उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग की चेतावनी, तो चलिए जानते हैं कि किन किन जिलों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि शुरू जनवरी से ही पूरा उत्तर प्रदेश सर्दी का सितम झेल रहा है। बर्फीली हवाओं ने आपको बता दें कल भी पूरा उत्तर प्रदेश ठिठुरता रहा। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर अयोध्या सबसे ठंडे स्थान रहे, जहां रात के तापमान में आपको बता दें 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ में न्यूनतम पारा 4 डिग्री रहा। कानपुर और आसपास के जिलों में कल 29 लोगों की सर्दी के कारण मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी 3-4 दिनों तक ठिठुरन भरी कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि यहां कड़ाके की ठंड के बीच बदली बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है। 3-4 दिनों के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी और फिर दिन में धूप निकलने की भी संभावना है। मगर आपको बता दें कि इसी बीच ये भी खबर आ रही कि उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की वजह से चलने वाली सर्द हवाएं आपको बता दें यूपी के जनजीवन पर असर डालेंगी। दिन और रात के तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का सितम और बढ़ेगा। अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के कार्यवाहक निदेशक पूर्व अनुमान मोहम्मद दानिश ने बताया कि आपको बता दें कि 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में कहीं घना कोहरा, कहीं आसमान में बदली बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इससे आपको बता दें पश्चिमी यूपी में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। आपको बता दें फिर पलटेगा मौसम, गिरेगा पारा। अगले 3-4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रात का तापमान औसत सामान्य से 3 डिग्री तक कम दर्ज होगा, क्योंकि आपको बता दें कि एक पश्चिम विक्षोभ के चलते उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार बना है। इसी बीच प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होगी और थोड़ी राहत मिलेगी, मगर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तर प्रदेश में फिर आपको बता दें कि मौसम में परिवर्तन होगा, जिसके बाद आपको बता दें बदली बारिश के साथ साथ ठंडी हवाओं का प्रकोप बना रहेगा। इसी बीच आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही कि गलन और ठिठुरन भरी ठंड बढ़ेगी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम वैज्ञानिक सीताराम मिश्र ने बताया है कि आपको बता दें सुबह 7 बजे जब तापमान रिकॉर्ड किया गया तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस निकला। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि पारा इतना ही रिकॉर्ड किया गया था। अधिकतम तापमान भी आपको बता दें कि 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 7.8 डिग्री कम था। सीतापुर में आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ब्रज मंडल में आपको बता दें दिन में निकली हल्की धूप भी उसे कम नहीं कर पा रही है। आगरा और आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान 15 डिग्री से नीचे चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि एटा, कासगंज, फिरोजाबाद में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर रहा। मथुरा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रयागराज में आपको बता दें कल ठंड का कहर जारी रहा। सूर्य के न निकलने और बर्फीली हवा चलने से दिन भर ठिठुरन और कपकपाती रही। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि बरेली में भी आपको बता दें कि कल न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी समेत 8 जिलों में न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं आजमगढ़, जौनपुर और मऊ के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।